अब आपसे बात करते हैं. सुनो, आपका नाम क्या है? जस्करण. पता है, बहुत हसीन हो. इस भीड़ में चांद से चमकते हो. क्या बात? ये बात वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका. हकलाती जबां में बस इतना कह पाया कि एक्सक्यूज मी, विच फ्लोर? मैंने अपना हाथ उसके हाथों से एक इंच की दूरी बनाए रखते हुए खुद ही लिफ्ट का बटन दबा दिया. अब क्या करती, ऑफिस का पहला दिन था, चार लोग भी थे वहां, बात इतनी आसानी से हो जाए तो उसमें मजा ही क्या. गुफ्तगु जो सनम से होनी थी, चांद का दिल भी आजमाना था. सुनो, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, उस रात सी है, वक्त को रिश्वत देकर जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं. ये बात भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका. ऑफिस में हमारे क्यूबिकल्स बिल्कुल बगल बगल में थे. नजरें ना मिलाने का खेल खूब चला. हम लड़कियों को ना एक अलग ही हुनर होता है, बिना देखे वो मुझे देख रहा है इस बात की खबर हमें हमेशा होती है. पर ना जैसे ही मैं स्वाइप राइट करती अपनी नजर, वो झुका लेता सर. दिल तो करता कुछ तो कहे, मेरे आंखों की तारीफ ही कर दे या मांग ले सीधा साधा सा पेन, पर ऐसा कुछ ना हुआ. रूबरू बैठे तो मेरे थे, यूं लगा आंखों में दीवाना था. सुनो, तुम्हें अक्सर बस स्टॉप पे खड़ा देखता हूं, कहो तो आज लिफ्ट दे दूं बाइक पर. ठीक समझे आप? ये बात वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका. मैं भी उसे अक्सर देखती थी, बाइक से गुजरता था वो, एक हकलाते लम्हे के लिए रुक भी जाता ठीक सामने, पर कुछ कह ना पाता. तो मैंने ही सोच लिया, मैं ही आज पूछ लूंगी उसे, लिफ्ट प्लीज. पर किस्मत देखो, उस दिन ऑफिस के बाद ना वो दिखा ना बाइक उसकी. बस आई, मैं बस में चढ़ी, भीड़ थी फिर भी सीट मिली. रिया बड़ी खुश हुई, मेरा मूड ऑफ था. कंडक्टर आए, मैंने चेंज निकाला, दो टिकट प्लीज. दीदी आपका टिकट तो वो भाई साहब दे चुके हैं दोनों का. उस हरकत पे उनके दिल मेरा पिघल गया. तिश्नगी क्या ही कहूं क्या थी वो, शुक्र है भीड़ का बहाना था. सुनो, ये झुमका तुम्हारा गिरा है शायद, सोचा लौटा दूं तुम्हें, लेकिन उसके बदले में एक डांस प्लीज. कहां? ये भी वो मुझसे पर ऑफिस में प्री न्यू ईयर पार्टी थी. ठंडी हवा नशे में समा, गालों पे चढ़ती मैंने लाड़ी थी, और जानकर बन के अनजान झुमका मैंने उनके पास गिराया था. फिर किया इंतजार, उन्होंने झुमका उठाया, मेरी ओर बढ़ने लगे, फिर रुक गए, मुस्कुराते हुए रिया की ओर मुड़ गए. उस रात उन्हें रिया के साथ डांस करता देखकर मेरा दिल बहुत जला. सोचा जरिया बनेगा झुमका वो, क्या पता यूं सबब जलाना था. मैं इतनी बेवकूफ कैसे बनी, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया वो तो थी तेरी एक सहेली शायद, अक्सर मुझसे वो ये कहना चाहता था. अब लिफ्ट में मैं खड़ी थी तो सामने रिया भी तो थी, क्यूबिकल रिया का भी तो बगल में था, और बस में रिया भी तो बैठी थी. मैं ये सब कैसे भूल गई, उस पार्टी में मैंने समेट लिया अपनी बेवकूफी को और किसी और की बाहों में झुला दिया. वो देख रहा था, वो देखता रहा,
मेरे गुरूर का गुस्सा उतर गया। देख के उसको यूं लगा, मुझको जलने दो दिल, वो दिल जलाना है। सुनो, एक्सक्यूज मी, वो तो झुमका लेके तो मैं आई रहा था, वो रिया ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए वो जानबूझ के, आई एम सॉरी, मैं तो इतने दिनों से तुम्हें वो कहना चाहता था। हकलाते हुए उस लम्हे में उसने बिना कुछ कहे सब कह दिया। और फिर पहली बार, महीनों में चार पहली बार हमारी नजरें मिली। सुनो, NCPA के शो की दो टिकटें हैं मेरे पास, चलोगे साथ? मोहब्बत की पहल करते हुए मैंने ही उसे ये कह दिया। इस बात को 9 साल हो चुके हैं और आज भी हमारी पहली एनिवर्सरी की, वो पहली डेट के एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं और वही कहानी फिर से दोहराते हैं। गुफ्तगू जो सनम से होनी थी, चांद का दिल भी आजमाना था। रूबरू बैठे थे मेरे वो यूं लगा आंखों में दीवाना था। तिश्नगी क्या कहें के क्या थी वो, तिश्नगी क्या कहें के क्या थी वो। शुक्र है भीड़ का बहाना था। सोचा जरिया बनेगा झुमका वो, सोचा जरिया बनेगा झुमका वो। क्या पता यूं सबब रुलाना था। देख के उनको यूं लगा मुझको, जलने दो दिल ये दिल जलाना था। शर्म इसमें नहीं है ये है दिल, शर्म इसमें नहीं है ये है दिल। इश्क की रस्म को निभाना था। जाके कह दो उसे मोहब्बत है, जाके कह दो उसे मोहब्बत है, जाके कह दो उसे मोहब्बत है। क्या पता कल ये पल बुलावा था। गुफ्तगू जो सनम से होनी है, चांद का दिल भी आजमाना था। गुफ्तगू जो सनम से होनी है, चांद का दिल भी आजमाना था। गुफ्तगू जो सनम से होनी है, चांद का दिल भी आजमाना था। गुफ्तगू जो सनम से, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें जाकर ये जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी।